कुमकुम भाग गया क्या आज के एपिसोड में? आलिया दिशा को वॉशरूम में बंद कर देती है और उसके वॉशरूम में जहरीली गैस छोड़ देती है ताकि वो मर जाए। इतने में दिशा पूरे को कॉल करती है और पूरे को बताती है कि मेरी हेल्प करो। इतने पूरे रूम में आता है और से दिशा की आवाज़ आती है, वो दिशा को बाहर निकालता है। दिशा कहती है कि अंदर मुझे ऑक्सीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और पूर्व उसे पानी देता है। इतने में वो दोनों हग करते हैं। दूसरी तरफ प्रज्ञा सोचती है कि उसे अपनी माँ से एक दफ़ा मिल लेना चाहिए, और सोचती है कि उसकी माँ ये देखकर कितना ये जानकर कितना खुश होगी कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। प्रज्ञा अपनी माँ सदा से मिलने जा रही थी, रास्ते में देखती है कि दो कपल शादी कर रहे हैं। इतने में वो सोचती है अगर मेरी माँ को पता चल गया कि अभी ने दूसरी शादी कर रही है तो उनका क्या हाल होगा। इतने प्रज्ञा अपना प्लान चेंज करती है और कहती है कि वो अभी से मिलेगी और उससे कहेगी कि वो मुझसे दोबारा शादी कर ले। दूसरा दिशा और पूर्व डिसाइड करते हैं कि वो मंदिर जाएंगे पूजा में जो दादी ने ऑर्गेनाइज की होती। इतने प्रज्ञा वहाँ आती है और देखती है कि वो सब घर वाले मंदिर की तरफ जा रहे हैं। वो सोचती है कि वो सबके सामने अभी से बात करेगी। इतने में प्रज्ञा मंदिर में आती है जहाँ पूजा हो रही होती है, और अभी और मुन्नी एक साथ बैठकर पूजा कर रहे होते हैं। प्रज्ञा को वहाँ देखकर सब घर वाले शॉक हो जाते हैं और अभी उठ के खड़ा हो जाता है। प्रज्ञा अभी से कहती है कि उसे आपको मुझे प्रज्ञा उससे कहती है आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हो रही। इतने प्रज्ञा दादी से कहती है कि आप मुझे मेहरा हाउस में लेकर आई थी और आपने मुझे उम्मीद दिलाई थी कि मैं अभी से दोबारा करीब आ जाऊंगी, लेकिन अब आप मेरे हस्बैंड की शादी किसी और के साथ कैसे करवा सकती हैं? अभी तक तो आपको ये भी कंफर्म नहीं था कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। और वो सबके सामने रोने लग जाती है और वो कहती है कि आप लोगों ने मेरा वेट भी नहीं किया और अभी की दूसरी शादी करवा दी। ये सब कुछ देखकर अभी शॉक हो जाता है। हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टीवी फॉर डेली कुमकुम भाग्या न्यूज़ एंड अपडेट।